सवाल ये भी है कि आप कितनी ज़्यादा खुश हैं सालों बाद एक सुपर डुपर हिट जोड़ी फिर स्क्रीन पर आने को तैयार हैं। मैं यहाँ पवन सिंह और रानी चटर्जी की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा जी बिल्कुल, दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं पहली बात, और हिट जोड़ी है तो हिट जोड़ियों को हमेशा रिपीट होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हिट उन्होंने ऑडियंस ने कुछ तो देखा होगा ना उनकी जोड़ी में, तभी वो आज हिट हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इंडस्ट्री को हिट फिल्मों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। बिल्कुल, और जाते जाते कुछ अपने फैंस और भोजपुरी इंडस्ट्री को आप अगर कुछ कहना चाहें कि क्या कुछ बदलाव देखना चाहें या कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए आज कहना। पहले तो निहोरा करता नहीं कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर में जाकर देखी लोग, काहे कि फिल्म थिएटर में देखने से बाकी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स सबका फ़ायदा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनेंगी, अच्छी फिल्में बनेंगी, लोग फिल्मों के पीछे खर्च करने का सोचेंगे। तो जब तक अच्छी फिल्में अच्छी जगहों पर चले ना, तब तक वो फिल्मों का जो मार्केट है वो थोड़ा सा डमाडोल हो जाता है। तो सिर्फ अपने अपने घरों में बैठकर ना देखें, प्लीज़ प्लीज़ थिएटर्स में जाकर मूवी देखें। भी है कि आपने कहा, अभी जिक्र किया, रास्ता तो साफ ही हो गया, पवन सिंह का रास्ता पूरा का पूरा साफ है, अब तो एक्टर और अभिनेत्रियों की भर्ती वहाँ शुरू है। फिलहाल रानी के साथ उन्होंने शूट कर ली। हाँ मैंने देखा, उन्होंने रानी के साथ उन्होंने बॉस फिल्म में गाना शूट किया, वेरी गुड। मुझे लगता चेंजेस होने चाहिए, हो गए, मतलब हो रहे हैं, हो रहे हैं, बट अक्षय पप्पा से ही मांगा था कि नहीं, मतलब ज़रूरी है इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देखिए मैं कल को पता चले कि आने वाले 6 महीनों में आपको पता चले कि अनारा ने संन्यास ले लिया, अनारा एक्टिंग नहीं कर रही, लेकिन अगर मैंने किसी चीज़ की पहल की है और पप्पा ने वो सुन ली और वो चीज़ इंडस्ट्री में हो रही है, तो ये मेरी भोजपुरी की तरक्की का सवाल है, और भोजपुरी का नाम ऊंचा होगा तो मेरा तो ऑटोमेटिकली, मैं हूँ बेशक जम्मू से लेकिन कोई मुझे मानता नहीं है आज की डेट में, सब बोलते हैं भोजपुरी हीरोइन है, तो मेरे साथ भोजपुरी आगे जुड़ गया, तो उसकी तरक्की होना मतलब मेरे लिए गर्व की बात होगी और होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत साल दिए इस इंडस्ट्री को और इस इंडस्ट्री ने मुझे जो आज अनारा गुप्ता जो नाम दिया है वो इसी इंडस्ट्री ने दिया है, और मैं चाहती हूँ कि ग्रोथ करे, बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बिखर जाएंगे। अब फिल्में अच्छी चाहिए, कास्टिंग बहुत अच्छी चाहिए और कहानियाँ तो बहुत ही अच्छी चाहिए, कुछ डायरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं और वो फिल्म बन भी रही हैं और मैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ, मैं तो स्पेशली वीडियोस बना के भेजती हूँ, कोई मुझे बोले ना बोले, बट मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से।